कैसे मैं मान लूं कि आपने काम किया है, उसके लिए एक बेहतरीन अगर आप पोर्टफोलियो बना के जाएं किसी भी कंपनी में, अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा डाउन भी है तो पोर्टफोलियो आपके लेवल को बढ़ा देगा, और अगर ऑलरेडी आपका लेवल है तो पोर्टफोलियो और बड़ा आपको कर देगा। मीन्स आपको कभी भी किसी कंपनी में जाना है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, सबसे बेहतरीन तरीका है कि पोर्टफोलियो बनाइए। ये उनके लिए जो लोग BIM में करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना चाहते हैं, हमारे गुरुकुल के हर बच्चे के लिए कंपल्सरी है पोर्टफोलियो बनाना। और मैं बताऊं तो सिलेक्शन जो हम लोग का होता है इतना ज्यादा, उसका सबसे बड़ा रीजन है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो से कंपनी इंप्रेस हो जाती है। चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखते हैं किस तरीके से पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं यूनिक्स सेल्फ हियर। गाइस आप में से बहुत से लोग जॉब के लिए जाते हैं और कंपनी में बोलते हैं कि सर मेरे पास रेविट का नॉलेज है, मेरे पास स्टैट का नॉलेज है, मेरे पास ऑटोकैड का नॉलेज है, बट कंपनी वाले कभी कभी आपके चेहरे को देख के लगता है उनको यार क्या पता नहीं इसने कितना अच्छे से सीखा होगा इस बंदे ने, तो कंफ्यूजन में रहते हैं यार इस बंदे को हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस देना पड़ता है उनको कि देखिए एक्चुअली में हमने काम किया हुआ प्रोजेक्ट के ऊपर और देखिए इस तरीके से काम किया हुआ है। तो बोलेंगे कैसे मैं मान लूं कि आपने काम किया है, तो उसके लिए एक बेहतरीन अगर आप पोर्टफोलियो बना के जाएं किसी भी कंपनी में, अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा डाउन भी है तो पोर्टफोलियो आपके लेवल को बढ़ा देगा, और अगर ऑलरेडी आपका लेवल है तो पोर्टफोलियो और बड़ा आपको कर देगा। मीन्स आपको कभी भी किसी कंपनी में जाना है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, सबसे बेहतरीन तरीका है कि पोर्टफोलियो बनाइए। ये उनके लिए जो लोग BIM में करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना चाहते हैं, बाकी प्रोफाइल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। याद रखिएगा पोर्टफोलियो एक ऐसा इंप्रेशन है कि सपोज आप अपना सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नहीं भी बता पाते कि मुझे रेविट कितना आता है, स्टैट कितना आता है, आपने एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना दिया, सारा प्रूफ वहीं पर हो गया कि हाँ आपको सच में आता है। कैसे बनाएंगे उसका आपको मैं एक रेफरेंस वीडियो देता हूँ, खुद का ही रेफरेंस वीडियो दूंगा, और साथ ही साथ ये भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए। गाइस हमारे गुरुकुल के हर बच्चे के लिए कंपलसरी है पोर्टफोलियो बनाना। और मैं बताऊं तो सिलेक्शन जो हम लोग का होता है इतना ज्यादा, उसका सबसे बड़ा रीजन है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो से कंपनी इंप्रेस हो जाती है। चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखते हैं किस तरीके से पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। गाइस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बनाने के लिए MS वर्ड को यूज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को बनाने के लिए कैनवा को यूज कर सकते हैं। मैं कैनवा लेआउट जो ऑप्शन को चूज करूंगा क्योंकि सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो कैनवा में बनता है। इस तरीके से आइए देखते हैं। सबसे पहले आप canva.com पे चले जाएंगे, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग के लिए नया होगा ये वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे canva.com, ठीक है। यहाँ पर जाके आपके पास gmail ID तो होगी ही, ठीक है, सपोज हमने कर दिया। यहाँ पर जस्ट आपको लॉग इन करना पड़ता है, लॉग इन वही जीमेल से सिंपल लॉग इन होता है, कोई अलग लॉग इन नहीं करना है, ठीक है। आप चाहो तो मैं अभी साइन आउट करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा नहीं है पे, तो मैं यहाँ पर साइन आउट कर देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। एग्जैक्ट ऐसा पेज आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया लॉगिन विद अदर जीमेल, ठीक है। अब जीमेल में मेरे कई IDs हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने स्किल्स गुरुकुल का ID यूज कर लिया, ठीक है। इस ID को यूज करके मैंने कंटिन्यू किया, जस्ट यहाँ पर अपने आप canva.com खुल जाएगा, और ये टोटली फ्री है, आपके जितने यूज में आएंगे वो सारी चीज़ें लगभग लगभग फ्री है। एग्जैक्टली बनाना कैसे है गाइस, पहले उसका एक दो सैंपल्स दिखा देता हूँ, ठीक है। और स्टेप वाइज स्टेप आपको अगर समझना है कि इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तो मैंने प्रॉपर डेप्थ में अपने गुरुकुल के बैच में मैं सिखाता हूँ गाइस हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो, ठीक है। अपना एक स्किल्स गुरुकुल का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप लोग अभी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, इस चैनल पर चले जाना, स्टेप वाइज स्टेप मैंने बताया है। देखो ये हमारे गुरुकुल के बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हुए पोर्टफोलियो, तो उनका पोर्टफोलियो भी हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद कैसे बनाना है स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर दे रखा है। आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग इस चैनल से नए होंगे, इस चैनल पर नहीं गए होंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा इसके इस गुरुकुल पर कि हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो। मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ, प्लस एक बेसिक समरी भी दे देता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। और हमारे कुछ ओल्ड स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक दो सैंपल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि एक सैंपल मेरे पास मैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने ओपन किया था आप सबके लिए, यस, ठीक है। हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, फ्रेशर है हिमांशु, बहुत ही बेहतरीन मॉडलिंग करते हैं, अभी जस्ट ये वर्किंग है, तो मतलब इनका वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। कैसे बनाना है उसका एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी इनकी बैच चल रही है, धीरे धीरे मॉडल बना रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। तो हिमांशु ने देखिए क्या बनाया हुआ है, बीम का पोर्टफोलियो, ठीक है, जस्ट आपको लाइव दिखा रहे हैं गाइस, ठीक है। इन्होंने अपने बारे में लिखा, ठीक है, यहाँ पर अपने करियर्स के बारे में लिखा, अपने स्किल्स के बारे में लिखा, इस तरह से एजुकेशन के बारे में लिखा, ठीक है, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं गाइस। इसके बाद इन्होंने अपने 2D ड्राइंग्स को दिखाया, कि मतलब ड्राइंग का 2D व्यू दिखाया, फिर इन्होंने दिखाया इसका सेक्शन व्यू कट करके कि कैसे कैसे सेक्शन बनता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एग्जैक्टली ये मॉडल बनाया था, ठीक है, अभी और इनके मॉडल पेंडिंग है, ये जस्ट अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक मॉडल बनाया था, आपके सामने दिख रहा है मॉडल, ठीक है। फिर मॉडल की डिटेलिंग्स किया था, अलग अलग व्यू पे जाके उसका 3D व्यू बनाया था उसका, ठीक है।
उसके यहाँ पर क्या बोलते हैं 3D व्यू के बाद इन्होंने उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट उठाया था, नहीं उसी प्रोजेक्ट को इन्होंने अलग अलग व्यू से दिखाया, उसके लैंडस्केपिंग को दिखाया। फिर इन्होंने एक दूसरा प्रोजेक्ट लिया था G+4 का अपार्टमेंट, जो कि इनको गुरुकुल की बैच में ही, जो अपनी 4 मंथ की गुरुकुल बैच होती है उसके अंदर ही, देखिए दूसरा प्रोजेक्ट भी इनको मिला हुआ है जिसका इन्होंने 3D तैयार किया हुआ है, बहुत ही शानदार। ठीक है, एज अ बिगनर, क्योंकि अभी ये डिप्लोमा होल्डर है और जस्ट अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्या बोलते हैं एज अ बिगनर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स तैयार किए हुए। ठीक है, ये मॉडल इन्होंने तैयार किया, उसके बाद ये मॉडल इन्होंने तैयार किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3D रेंडर्स दिखा हुआ है। अब इनका रेवी स्ट्रक्चर पार्ट चल रहा है, जैसे स्ट्रक्चर पार्ट हो जाएगा फिर ये स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स भी इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा बहुत मे बी इन्होंने ऐड भी किया होगा। देखिए यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इन्होंने बनाया हुआ है, जो कुरकुल के अंदर मैंने लाइव प्रोजेक्ट इन्होंने दिया था, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। और इसके साथ ही साथ देखिए इस प्रोजेक्ट का अलग अलग व्यूज इन्होंने दिखाया। ठीक है, इसको बोलते हैं गाइस पोर्टफोलियो। अब सोचिए एक फ्रेशर बच्चा अगर ऐसे मॉडल बनाएगा, इतना बड़ा प्लान बनाएगा, इसकी डिटेलिंग करेगा, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करेगा, एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट जो है ये G+2 का G+22 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा का पूरा तैयार किया हुआ है और बहुत ही मेहनत करके तैयार किया हुआ है। देखिए ये टावर इन्होंने तैयार किया हुआ है, दिस इज द टावर। ठीक है, ये नागपुर के एक लाइव प्रोजेक्ट है, उस पर इन्होंने वर्क किया था, बहुत बेहतरीन वर्क किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने एक हॉस्टल बनाया हुआ था। ठीक है, हॉस्टल को इन्होंने देखिए 3D भी उसका तैयार किया हुआ है, उसके अलग अलग डायरेक्शन तैयार किए हुए। अब इससे क्या हो गया, इसको देखने के बाद क्या कोई बोल सकता है कि इनको रैबिट आर्किटेक्चर नहीं आता है? ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो गलत है। क्यों? क्योंकि इनको आता है, तभी इन्होंने तैयार किया हुआ है गाइस। ठीक है, अब रवि स्ट्रक्चर भी जैसे जैसे इनका आता जाएगा, ये अपने आप अपडेट करते जाएंगे, फिर रवि MAP के कंपोनेंट ऐड करेंगे। देखिए रवि स्ट्रक्चर का इन्होंने कुछ मॉडल ऐड भी कर दिया, जैसे कि वेयर हाउस इन्होंने बना लिया है। ठीक है, अभी इनको वेयर हाउस के फ्रेम्स दिखा दिए, सेक्शन दिखा दिया, GA ड्रॉइंग्स दिखा दिया। इसके बाद इन्होंने RCC की बिल्डिंग बनाई हुई है, देखिए इसको भी अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने हर तरीके की फुटिंग्स बनाई हुई, पैरामेट्रिक फुटिंग्स, जो लोग जानते होंगे रैबिट के बारे में उनको पता होगा। कुल मिला के आपको एक समरी दे रहा हूँ। ठीक है, कि इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब ऐसा अगर कोई बच्चा बनाता है और कंपनी में लेके जाता है गाइस, ये फिक्स मान के चलिए, उसको अगर कोई कंपनी का ऑनर देख रहा है वो समझ जाएगा इसको रैबिट आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छे से आता है। इसमें 3 से 4 प्रोजेक्ट मैंने उसको लाइव दिए हुए और उन्होंने बहुत अच्छे से कम्प्लीट किया, इज गुड स्टूडेंट। कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आप पोर्टफोलियो बना के जाते हैं तो ये देखने में जैसे कॉन्फिडेंस आया वैसे ही कॉन्फिडेंस आता है एक स्टूडेंट के अंदर और साथ ही साथ जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके अंदर। अब बोलोगे सर जल्दी से बता दीजिए बनाना कैसे है। ठीक है, फिर हाँ स्टेप बाय स्टेप देखना है तो भाई आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरा स्टेप आधे घंटे का है। अब आधे घंटे में वीडियो बनाऊंगा तो समय लगेगा, बट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ किस तरीके से बनाना है। canva.com पे जाना है, यहाँ पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देंगे, तुरंत ही आपके सामने प्रेजेंटेशन आ जाएगा। और प्रेजेंटेशन पे आने के बाद यहाँ पर आपको डिजाइन सर्च करना है, बिल्डिंग की डिजाइन, एक बिल्डिंग डिजाइन सर्च करेंगे, ढेर सारी बिल्डिंग्स के डिजाइन आ जाएंगी आपके सामने। सपोज आपने इसमें से ये डिजाइन चूज कर लिया, इस डिजाइन को चूज करते ही आपके सामने ये बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखेंगे, क्लिक किया, जितने पेज चाहिए उतने पेज का आप यहाँ पर फटाफट बना दीजिए। ये देखिए डिजाइन आ गया आपके पास, यहाँ पर लिख दीजिए पोर्टफोलियो, अपना नाम जैसे उन्होंने लिखा हुआ था। और भी बहुत बच्चों ने, अगर आपको ढेर सारे सैंपल्स चाहिए पोर्टफोलियो के, तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम उन ग्रुप में शेयर करवा देंगे आपको। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप अलग अलग पेजेस में अलग अलग आप क्रिएटिविटी अपने दिखा सकते हैं। जैसे कि पहले पेज में हमने ये किया, दूसरे पेज में हमने ये किया, यहाँ पर इसको मैं ट्रांसपेरेंट करना चाहूँ तो ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, अलग अलग सेटिंग्स इसके अंदर है। फिर यहाँ पर मुझे तीसरे पेज पर इमेजेस ऐड करने हैं जो मैंने लाइव प्रोजेक्ट में किए हुए हैं, तो मान लीजिए उसके लिए आप यहाँ पर अपलोड पर आइए। अपलोड पर आके देखिए हमारे गुरुकुल के एक स्टूडेंट लोकेश, देखिए कितना अच्छा मॉडल उन्होंने बनाया है लोकेश ने। लोकेश अभी ये हिमांशु की बैच में है, बहुत अच्छे ये भी स्टूडेंट है, तो मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके उन्होंने दिखा दिया। अब यहाँ लिख देंगे Project 1, यहाँ टेक्स्ट मौसम देख रहे हैं ना, यहाँ से लिख देंगे Project 1 Project 2 इस तरीके से। फिर इन्होंने इसी प्रोजेक्ट का दूसरा व्यू दिखा दिया। ठीक है, ये देखिए इस प्रोजेक्ट का इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट दिखा दिया, G+8 का प्रोजेक्ट है, ये दूसरा व्यू दिखा दिया इन्होंने इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और इमेज ऐड करना चाहा, मान लीजिए हमारे एक स्टूडेंट है चेतन, ये भी काफी अच्छे स्टूडेंट है, इन्होंने अपना क्या किया हुआ गाइस ये इस तरीके से। गाइस कोई भी अगर कंपनी के लोग देख रहे हो तो देख लीजिए, हमारे गुरुकुल में ऐसे बच्चे मॉडल्स बनाते हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग्स करते हैं। आप लोग भी अगर कॉन्टेक्ट करना चाहें तो नीचे हमारे HR टीम का नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे मॉडल्स बना सकते हैं। कभी बैकग्राउंड में आपको कोई पिक्चर लगाना हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये लगाना हो बैकग्राउंड में, ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए इस तरीके से, इस तरीके से इसको सेलेक्ट करिए, इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको कोई बिल्डिंग भी ऐड करनी है, जैसे कि मुझे मैं देखूँ कोई बिल्डिंग मुझे जो अच्छी लगे। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे ये बिल्डिंग मेरे गुरुकुल के स्टूडेंट ने बनाया था, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद गाइस इसके अंदर बहुत ढेर सारे फिल्टर्स हैं, मैं उस पर अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो है ऑलरेडी। ठीक है, फिल्टर के लिए एडिट इमेज पर चले जाएंगे।
एक से बढ़ के एक फिल्टर्स हैं आप यहाँ पर यूज कर लेंगे, ये फिल्टर है, ये फिल्टर है, ये पूरी फिल्टर्स ही फिल्टर्स हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर्स यूज करके और बेटर करना चाहे तो कर लीजिए। इस तरीके से जब सारी इमेज आपकी ऐड हो जाए, सिंपल आपको शेयर पर क्लिक कर देना। मैं जल्दी जल्दी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का पेशेंस लूज हो सकता है। और क्या बोलते हैं, अगर आपको स्टेप बाई स्टेप देखना है तो वीडियो देख लीजिएगा, डाउनलोड पर क्लिक करिए। और ये देखिए पीडीएफ स्टैंडर्ड हो गया या पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड मतलब आपका पोर्टफोलियो रेडी। फ्यूचर में भी कुछ ऐड करना चाहेंगे वो अपडेट कर सकते हैं इसी में। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मैंने पोर्टफोलियो का सैंपल भी दिखाया गाइस, कैसे बच्चे बनाते हैं। प्रॉपर स्टेप देखना है तो ये 30 मिनट का पूरा क्लास का ही रिकॉर्डिंग दे दिया है आपको, ठीक है। आप लिंक पे देख लीजिए, आप स्किल्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्किल्स गुरुकुल की काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आपकी गुरुकुल बैच होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वो भी देख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको लगा होगा कि इससे कुछ वैल्यू क्रिएट हुई। अगर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।